हेलो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फोर्थ फर्स्ट यूनिट का जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो टर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में वही बता रखा है कि द टर्म सिंपली रेफर टू, उसका सिंपली क्या मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। तो जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग, उसको आप सिंपली क्या बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जबकि हाउ एवर इट हैज़ ए ब्रॉड परस्पेक्टिव, और भी उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हम इंक्लूड करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, लाइक इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो, वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। फिर कह रहा है कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग। किस एस्पेक्ट में? वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन से एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन में जिसमें टोटल वेलबींग रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला जाएगा, एंड दैट इज फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट। इन सब एस्पेक्ट्स में टोटल वेलबींग क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ बोला जाता है अकॉर्डिंग टू WHO। तो ये डेफिनेशन WHO वाली याद करनी है। फिर कह रहे हैं देयर फॉर ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो तो ये फिजिकल एस्पेक्ट हो गया नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड विद नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंट्रैक्शंस, कि उनके अमंग इंट्रैक्शंस हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन वो भी नॉर्मल हैं। अमंग दैम किससे रिलेटेड, इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। तो वो सोसाइटी ओवरऑल कैसी बोली जाएगी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोली जाएगी। तो इसमें बस सिंपली एक जनरल लाइन याद करनी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नॉर्मल मतलब क्या होता है, सिंपली कि नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। जबकि ब्रॉडर व्यू में अगर देखें तो इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी काउंट होते हैं। और WHO ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, की फिजिकली वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, बिहेवियरल वेलबींग एंड ओवरऑल सोशल वेलबींग। और ऐसे सोसाइटीज में फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विद नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंट्रैक्शन, किससे रिलेटेड, ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वो कैसी सोसाइटी बोली जाती है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोली जाती है। इसके बाद अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली इंडिया से रिलेटेड, एंड उनको ठीक करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट फॉलो करती है टाइम टू टाइम। तो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री में जिन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स बनाए, किस लेवल पे, एट नेशनल लेवल। क्यों? टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से ही इसको एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन प्लान और प्रोग्राम डिज़ाइन किए और उनको इम्प्लीमेंट किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो जब वो प्रोग्राम बनाए तो उन प्रोग्राम्स को इनिशियली क्या बोला गया, दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, और वर इनिशिएटेड कब हुए थे, 1951 में इनिशिएट हुए थे, एंड पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड। टाइम टाइम पे रूटीनली इनको असेस करते हैं कि क्या उनके ड्रॉबैक रहे, क्या क्या उनके पॉजिटिव फीडबैक मिला है, तो ओवरऑल उनको फिर रीप्रोग्रामिंग उनकी करते रहते हैं टाइम के साथ साथ। तो आपको एक ये याद करना कि फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट किया था, 1951 में इंडिया में इनिशिएट किया था। तो उस फैमिली प्लानिंग में क्या इंक्लूड होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फैमिली में कितने हैं, प्रेगनेंसी के इन बिटवीन टाइम पीरियड कितना रहना चाहिए, वो सब डिसाइड करते थे ताकि ओवरऑल टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहे। तो दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951 और पीरियोडिकली असेस होते रहते हैं ओवर द पास्ट डिकेड। तो विद टाइम क्या आ गए, और इम्प्रूव्ड प्रोग्राम आ गए। इनिशियली तो उन बस बेसिक फैमिली प्लानिंग था, बट विद टाइम इम्प्रूव्ड प्रोग्राम जो क्या कवर कर रहे थे, कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज की बहुत सारे एरिया रिप्रोडक्शन में और इंक्लूड हो गए। लाइक पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यही प्रेगनेंसी से रिलेटेड था, बट बाद में और क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड, जितनी डिसऑर्डर्स वगैरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी रहती हैं तो उनकी क्योर के अलग अलग तरीके हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए थे। फिर इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज एक बहुत मेन प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, तो उससे रिलेटेड उसको डील करने के लिए जो जो प्रोग्राम्स चाहिए वो भी इसके अंदर इंक्लूड होने लग गए थे।
तो विद टाइम इम्प्रूव प्रोग्राम आए कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम. अब उसका नेम फैमिली प्लानिंग की जगह क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, उसको क्या बोलते हैं RCH प्रोग्राम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. तो याद करना कि इंडिया में, इंडिया फर्स्ट कंट्रीज में है जिनमें ये एक्शन प्लान प्रोग्राम्स इनिशिएट हुए थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एज ए सोशल गोल. और इंडिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई, 1951 में, और वो पीरियोडिकली असेस होती रहती है विद टाइम टू टाइम. और आज के टाइम में और बहुत सारे इंप्रूव प्रोग्राम चल रहे हैं जो वाइडर रिप्रोडक्शन एरिया को कवर करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करते हैं, और अंडर द कौन से नेम के अंडर चलते हैं आजकल, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलते हैं. अब फिर एक 2 मार्क्स क्वेश्चन जो आपको याद करना है कि मेजर टास्क क्या असाइन कर रखे हैं RCH प्रोग्राम में, मेजर टास्क क्या हैं, कि क्या 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 ऑब्जेक्टिव्स डील करने हैं, क्या क्या एम्स को फुलफिल करने हैं. तो उसमें फर्स्ट है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, कि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉर्मल पर्सन को पता नहीं है. तो इसमें एक मेजर टास्क है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं विद टाइम टू टाइम डिजीज से रिलेटेड, वो सब लोगों को उसको उससे लेके अवेयर किया जाए, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उनको सबको अवेयर किया जाए उससे रिलेटेड. तो फर्स्ट है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट. तो ये अवेयरनेस करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके फॉलो होते हैं, कि प्रिंट मीडिया में, ऑडियो विजुअल तरीके से, ओवरऑल आपके स्कूल एजुकेशन में इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एजुकेशन को ऐड करके, और बहुत सारे तरीके से गवर्नमेंट अवेयर करती रहती है ऐड वगैरह के तरीके से भी. सेकंड है अवेयरनेस के साथ साथ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. ओनली अवेयरनेस नहीं, साथ साथ में गवर्नमेंट क्या भी अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, फैसिलिटीज एंड सपोर्ट, कि हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स के लेवल पे ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हों, मेडिकल प्रोफेशनल्स डॉक्टर नर्सेज वो सब अच्छे हों, इक्विपमेंट्स हैं उनके लेवल पे अच्छे से काम हो, ताकि ओवरऑल क्या अचीव कर सके, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी अचीव कर सके. तो आपको ये याद करना मेजर टास्क अंडर RCH प्रोग्राम क्या है, कि तो फर्स्ट तो क्रिएट करनी है अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वो बताना है लोगों को. तो उसके अलग अलग फॉर्म हैं, अलग अलग तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट ये सब करती रहती है, अवेयरनेस क्रिएट करती रहती है. एंड सेकंड वो क्या करती रहती है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, कि नए नए हॉस्पिटल्स डेवलप कर रही है, उनमें फैसिलिटीज इंक्रीज कर रही है, टेस्ट वगैरह इंक्रीज कर रही है, इजीली चेक हो पाएँ अगर डिजीज कंडीशन है तो फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी.